भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर एससी एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा ने किया आयोजन, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रैली निकाल कर शोभा यापन। और वहीं अंबेडकर चौराहे पर सभी समुदाय के पदाधिकारियों ने बाबा साहब के विचारों को रखा। इसके पश्चात विगत दिवस पूर्व 23 नवंबर 2021 को स्थानीय खापा भाट में दलित एवं आदिवासी के आशियाने को नगर पालिका निगम के अधिकारियों द्वारा कुछ दबंगों के दबाव में आकर तोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने के कारण समाज में व्याप्त आक्रोश को लेकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल को कलेक्टर महोदय के नाम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर इस दलित एवं आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने, मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारी एवं दबंगों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण दर्ज कार्रवाई की मांग की गई। और फिर वहीं से सभी संयुक्त मोर्चा सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह जिले की और जल्द से जल्द उस महिला को न्याय दिलाने की बात कही। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दीपक बंदेवार ने अपने विचारों में कहा कि यदि आज बाबा साहेब अम्बेडकर आज के दिन संविधान को लागू नहीं करते तो हम मूल निवासी समाज ओबीसी एससी और एसटी समाज के लोगों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार नहीं होता। संविधान में ही हमें हमारे हक अधिकार दिए हैं और बाबा साहेब के अधूरे सपनों को पूरा हम सब मिलकर करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित शिवम पहाड़े, रमेश लोखड़े, देवेंद्र वर्मा, प्रहलाद कुमरे और रघु माड़ेकर, साथ ही में देव रावण भलाबी, प्रकाश बोसम, चंचलेश इंदौरकर, पारस वंशकार और साथ ही में सागर परतेदी, ज्ञानेंद्र इंदौरकर सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए थे। आज महामहिम राज्यपाल के नाम आज संयुक्त मोर्चा एससी एसटी ओबीसी के समस्त पदाधिकारी के माध्यम से एक आदिवासी जो महिला है, छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल्य जिला है, और एक तरफ जो केंद्र सरकार मोदी सरकार, एक तरफ प्रदेश सरकार शिवराज सरकार आदिवासियों के हित में घोषणा करती है कि इनके जो भी मकान है जहां ये रह रहे हैं उनसे उनको बेदखल ना किया जाए, पर छिंदवाड़ा जिले के अंदर आज एक आदिवासी महिला का मकान जिसके पास में पट्टा है, जिसको यानी शासन की जो आवास योजना है उसके तहत उसको 2.5 लाख रुपए अनुदान मिला, ये तमाम चीज़ें रहने के बाद में नगर निगम प्रशासन द्वारा एक आदिवासी के साथ यानी उसके जो शोषण किया गया और उसका मकान जो तोड़ा गया और जो दबंग जो भूमाफिया हैं, कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि माफियों के इशारे पे नगर निगम ने ये कार्य किया है, जिससे पूरा हमारा ओबीसी समाज, हमारा एससी समाज, हमारा एसटी समाज, हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, गोंडवाना महासभा छात्र संघ, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है। अगर इस पे तत्काल कलेक्टर महोदय ने इस केस को संज्ञान में नहीं लिया, अगर निगम ने इस केस को संज्ञान में नहीं लिया, तो लाखों की संख्या में ये समस्त समुदाय महिलाएं और जो प्रताड़ित हमारी जो परमिला वीके है, जिसके साथ में इतना बड़ा यानी मकान तोड़कर कृत्य किया गया, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके ऊपर आदिवासी एक्ट लगना चाहिए। और ये सुन ले, ऊपर जो बैठे लोग हैं और ये जो आज छिंदवाड़ा के अंदर ये जो घटना घटी है, इसका पूरा हमारा जो संयुक्त मोर्चा है घोर निंदा करता है और ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, ये हम सबकी मांग है। आपका नाम? ठाकुर प्रहलाद सिंह कुसरे, गोंडवाना महासभा जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए चौराहे से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।